हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? नए दिन की नई शुरुआत उदीप बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग जाती हूँ काम पे, जाना है बाहर। सिद्धांत को अभी भेजी हूँ स्कूल और मैंने आटे पे गूंथ के रख दी हूँ। और चलो मिलते हैं आगे ज़िंदगी की भागा दौड़ी के साथ में। कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, आज बाहर खड़े होकर इंट्रो कर रही हूँ। तो चाय पी के फिर आपसे मिलती हूँ। तो मस्ती देखो इसकी, आते को लेके ही जाएंगे हम लोग। मस्ती कर करके थक गया ये। सबसे छुट्टा मांगने के पास ये चाय वाले के पास मुझे छुट्टा मिला, वरना मैं यहाँ से वहाँ आ गई। पर यहाँ हॉस्पिटल के पास किसी के पास छुट्टा नहीं है। ये बेचारे भाई मुझे दे रहे हैं 50 का छुट्टा, किसी के पास नहीं है। मैं ना इतने देर छुट्टा ही लेने गई थी। हेलो भाई, चलो चलो चलते हॉस्पिटल। मैं आई थी ज़रा काम से। घर पे आते साथ पकाने की तैयारी आप देख सकते हो। रोटी बनाना मेरा शुरू हो गया है, मतलब पराठे इन लोगों को बना के दे रही हूँ। और यहाँ पे देखो चावल मैंने दम पे रख दी हूँ और मेरे जिदान को दे दी हूँ सबसे पहले नाश्ता। अब उठाऊंगी बिस्तरे वगैरह, मुझे जाना है फिर से बाहर। आज मेरा आखा दिन बाहर ही जाने वाला है गाइज, इसके लिए पका के निकलती हूँ जल्दी जल्दी। तो गाइज पूरे काम निपटा दी हूँ, आपको बताती हूँ क्या करी क्या नहीं, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। पूरा मेकअप शेकअप के साथ में तैयार हूँ। मेकअप खुद ने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है गाइज। तो निकलते हैं, आज है मुंबई का टूर। मुंबई दर्शन करेंगे, आई मीन से दर्शन नहीं करेंगे, हम जाएंगे ज़रा फिर रमज़ान की ग्रॉसरी तो आपने देख ली, हमने ले ली है। तो अब लेने हैं कुछ सामान जैसे थोड़े रिजनेबल भाव में मिलेगी वहाँ पर, तो हम लोग जरा वहाँ के टूर कर लें। कपड़े वगैरह अगर लेंगे तो वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी कहाँ से परचेस करी कहाँ से नहीं। तो चलो मिलते हैं आपको ज़िंदगी की भागा दौड़ी के साथ में। तक गरीब बच्चे की तरह 2 रुपये मंग रहा, मैं 1-2 रुपये तो दे दो तो देती हूँ उसको। और ब्लॉगर भैया भी अभी नहा धो के निकलेंगे, तो चलो बताती मैंने क्या क्या पकाई हूँ। मैं दवाखाना सवेरे जाके वहाँ से आई और पकाई, नाश्ता कराई इन लोगों को। अब मैं नहीं कर रही हूँ। अरे उदय भैया दे देना जरा 2 रुपये। अरे ब्लॉगर भैया 5 रुपये दे रहा है, बताती हो इतना बड़ा दिल। हाँ ब्लॉगर भैया हाँ दिया, देख भाई का दिल कितना बड़ा है। तो देखो मैंने कहा था ना आके मैंने पर पराठे वगैरह बना दी और दाल चावल टमाटे की चटनी सब बनाई हूँ। अरे ये चटनी फ्रिज में उठा के रख दे भैया। चलो पूरे काम निपटा ली हूँ, घर मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। ये तो देने के कपड़े मेरे, ये सही करो, ये लोग फिर से सब चीज़ टेढ़े मेढ़े कर देते। तो चलो निकल दे गाइस आगे भागम दौड़ी के साथ में, आप लोगों के साथ में। चलो अरे भरिया 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 तुम चलो मैं चलूँ। हाँ फोन करो मेरे को, सुनता ही नहीं आती। यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है और अब मैं चढ़ूँगी, देखती हूँ गर्दी कितनी है। तो चलो चलते गाइस, कंटिन्यू रहे मेरे साथ में। कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ सब बताऊँगी आपको। गाइस चारों दोस्त नाबीना है, चारों को नहीं दिखता, मतलब बैठ के खाना खा रहे हैं मिलजुल के बाद के। और मैं तो कब से आई हूँ पर मेरे घर वाले नहीं दिख रहे अभी तक का। सब आ गए पर मेरे घर वाले नहीं आ रहे। तो हम लोगों मिल गए हमारे सब्सक्राइबर कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, हम लोग सब पहुँच गए। ये लोग पहले आगे चले गए मेरे से, अब आगे मिलेंगे। तो हम लोग चले यहाँ पे, हम लोग को यहीं से मिलेगी टैक्सी गाइस। तो चलो चलते हैं आगे। दो की जगह है मेरी भाभी, दो की जगह बैठी भाभी, तुमसे दो का पैसा लेंगे भाई, देंगे नहीं क्यों अरे नीला तू तेरी बेटी को क्यों लेके आई? वो लोग दो जन मेरे पीछे पड़े थे, नहीं लेके आई मैं लोग को। हाँ सब मालूम है, जिक्रा नहीं चलती है। गए बाहर लेके आए थे, कितना तमाशा कर रहे थे मालूम सीन बाजी अलग ने। खाने को भी चाहिए, कितना सताए थे, होटल वगैरह में घुमाए थे। नहीं ये खड़े रहने, और ये आदमी देखो अपना संसार लेके सोया है, कुछ काम धंधा नहीं है लोग। और हम लोग कितनी बड़ी लाइन लगा के रखे, हम लोग का नंबर लगता है आज शाम में आएगा रे जानू।
अच्छा, अरे बाबा बाबा बाबा, हटो हटो हटो। तो गाइस मैं आपको आज बताऊंगी कि ये मुंबई में कहां कहां क्या क्या चीज सस्ती मिलती है। आप आए विजिट करें रमजान के पहले, जैसे मैं आई हूँ वैसे आप लोग भी आए। तो चलो बताते हैं कहां पे चीज मेयोनीज सब सस्ते मिलते हैं, आपको यहां बताती हूँ। बाद में सारी चीजें बताऊंगी कहां कहां क्या क्या चीजें सस्ती मिलेगी। तो गाइस यहां पे जूस वगैरह आप देख सकते हो सब रखे हुए हैं। बट यहाँ पे ना ये मोजरेला चीज़ वगैरह ये सब बहुत सस्ता है। ये टैंग वगैरह, टैंग आप देख सकते हो, टैंग ना 150 का कह रहा है, पर इंडियन नहीं है। और वहाँ पे सारी चीज़ें रखे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं मलाई वगैरह का क्या प्राइस है यहाँ पे, फिर निकालते हैं। गाइस ये बच्चे निकल चुके हैं अपने अपने संदल लेके, खेल खेल में कुछ भी निकाल रहे हैं। देख चलो चलो आगे आगे जाओ, चलो ए रुक जा रहे, दे रहे कुछ, दे रहे हाँ, सबर करो बच्चे रहो। चलो चलो बिस्मिल्लाह करो। गाइस हम लोग तो नंबर हमारा आके चला गया है, बाकी सब खड़े हुए हैं ना, सामान सब एक एक करके लाइन में छोड़ा है गार्ड, पूरी लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन। ये रमज़ान के बाद तक भी ऐसी लगी हुई रहती है, आप देख सकते हो। और हमारे घर वालों का नंबर तो लगा हुआ, मैं खड़े रह के सिर्फ ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस यहाँ पे सभी सामान ले चुके हैं, बैठ चुके हैं, देखो पैक में भर रहे सामान है, थक के नीचे बैठ गए, थक के नीचे बैठ गए। एक बजे से आए ना, अभी कुछ 4 बजे लगता, पूरा भर दिए, हर चीज एकदम डिसेंट तरीके से रख रहे लोग। एक अम्मी का एक मेरा, एक अम्मी का एक मेरा। अंजिम बेचारी ऐसी घूम रही है, बेचारी काम की नहीं। हाँ मैं, हाँ हाँ ले 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 ले, मलाई वगैरह सब ला लो। 3 बजे ना फैल के बैठ गई, सो जाएगी इधर। थक गए बाबा, अच्छा कि रोजा रख के नहीं आए तुम लोग। हाँ कैसे हिसाब कर रहे बैठ के, देख फुटेज खा रहे थे, थोड़ा थोड़ा अम्मी के लिए 500 दे रही, अम्मी के लिए 500 दे रही, हरकत देख कैसा कर रहे दोनों जन। देख ऐसी पेटियाँ लेना चाहिए, माँ का पूरा सामान खुद लोग दोनों मिलके ले ले रहे। इतना वजन वजन सामान ले ले कि थैली फट गई, अभी एक जम्बो लेके डालना पड़ा। देखो बाबा निहान तो अपना झोल, निहान निहान क्या खा रहा है? अरे चलो चलो चलो, हाँ खा लेंगे चलो। बापरे बापरे, अभी से प्लान चालू, क्या खाने का क्या नहीं। रहो इसको भाव भी मालूम है कितने का मिलता है। देखिए हम लोग इतना वजन उठा के आए, अभी अंकल इतना बात सुना रहे। हाँ वही तो, हम लोग अभी घुमा लिया, अभी बेचारे हम लोग परेशान हो गए भैया। सामान के अंदर घुस के बैठे, आधे जन चलेगा चर्चगेट स्टेशन, अब हम लोग तीनों जन निकले। गाइस मैं तो ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वो लोग रह गए नीचे, क्योंकि वो तो विरार जाएंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई है, प्यारी प्यारी। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको घर पे। तो गाइस घर पे पहुँच चुकी हूँ, ऐसा लग रहा था अजाब कोई कंधे पे रखा है और कोई उतार ले, इतना दुआ करते करते ही रास्ते में शादाब मिल गया। रास्ते में मतलब मस्जिद के पास ही मिला, पूरा रास्ता तो मैंने ही ढोके लाई हुई सामान। और आई हूँ, चलो पहले चढ़ाती हूँ चाय और बाकी मेरी नमाज, मैं नमाज पढ़ूँ फिर उसके बाद। अभी असर की अजान अभी हो गई है, मैं पहुँच गई और लोग अभी ट्रेन में ही रहेंगे, मामी लोग ट्रेन में रहेंगे। तो मैं पहले चाय चढ़ाती हूँ, वजू करके अपनी नमाज कम्प्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस नमाज तो अपनी अलहमदिल्ला हो चुकी है और अब कहते हैं चाय को इंजॉय, थोड़ा रिलैक्स होती चाय पी के, क्योंकि जिदान तो जा रहा अपनी दीदी के पास पढ़ने के लिए, अभी आई थी पीछे बुलाने के लिए। तो जिदान चला थोड़ा पढ़ने बैठेगा, एग्ज़ाम है गाइस, तो दुआ करें कि पास हो जाए भाई साहब, पता नहीं क्या डांडे लगाने वाला मेरा लड़का। तो मिलती हूँ आपको थोड़ा सा आराम करने के बाद, बहुत भागम दौड़ी हो गई, सवेरे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर बॉम्बे आके पकाई वकाई, फिर उसके बाद गई बॉम्बे, बॉम्बे से आई अभी रिलैक्स। चलो क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी आई बैगन।